अच्छा जी, गूगल फॉन्ट्स का अब आपको क्लियर हो गया. यू वॉन्ट टू डाउनलोड एनी क्लासिक फॉन्ट, किसी भी तरह का, किसी भी शेप का, यू कैन वेरी इजिली डाउनलोड एंड यूज इट इन योर आर्ट वर्क. सो लेट्स सपोज दिस इज योर ब्रांड जिसके मतलब हम लोग सारा कुछ डिस्कशन कर रहे थे. सो लेट्स सपोज हम थोड़ी देर के लिए अपने आप इसी को ही अपना ब्रांड कंसिडर करें, इंस्टीट्यूशन, या बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं. हम इसको उठा के या इसके फॉन्ट को, इफ यू वांट, तो हम मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये बड़ा वाला फॉन्ट हो. द रीजन इज कि हम चूंकि आप डिजाइन को ज्यादा थोड़ा फोकस करेंगे, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि थोड़ा सा लेंथियर वाला फॉन्ट. इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रीलांसिंग, आई थिंक दिस वन इज ओके विद वन अनदर अपडेट जो कि चलो ठीक है जी, ओके. एंड वी कैन मेक इट bigger one. How can we do this? One is text ko select kare, font pe jaye, wahan se uska size bada kar liye. The other is ke edit se free transform pe jaye aur isko bada kar liye. Ab yahan pe main aapko ek cheez aur add on batane laga hu ki if you want to rotate any of the thing, so uski kya options. Option ye hai ki jis tarah maine aapko bataya tha ki isse aap is tarah ya yahan se is tarah undo, no, या यहां से ऐसे लेफ्ट या राइट से आप किसी भी एंगल से इसको इस तरह या इस तरह कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको बड़ा छोटा मैन्युअली कर सकते हैं. सेम इज द केस, किसी कॉर्नर पे जाए आउटसाइड ऑफ द कॉर्नर और वहां से जाके यू कैन रूट इट. जैसे ही आप इसके करीब आएंगे इट विल ऑटोमेटिकली चेंज द एंगल और अब ये आपको वो ऑप्शन दे देगा कि अब आप इसको रोटेट कर सकते, राइट. So that is what the demand was, कि हम इसको ये वाला रंग देंगे और इसको उठा के somewhere at the closer या something like this. अब further दोबारा control plus T और T करने के बाद हम इसको यहाँ से we got less distance, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा distance, तो हम इसको थोड़ा सा और घुमा के और हल्का सा इसको 1 point ऊपर कर. अच्छा, ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं और ये okay, what about उर्दू टाइपिंग? Yes, absolutely, उर्दू टाइपिंग भी आप कर सकते हैं. And by the way, I still have a project जिसमें सारा कुछ उर्दू पे इस टाइम भी हम on the other laptop इस क्लास से पहले और गुज़िश्ता एक माह से और इस क्लास के फौरन बाद भी उर्दू वाले ही काम कर देंगे. लेकिन आई विल फॉर श्योर लेट यू नो और सारा कुछ बताऊंगा, बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपके जो फैशन और इंटीरियर डिजाइन के ब्रांड्स हैं उनमें समटाइम्स उर्दू वाली चीज भी आ जाती है. ओके, सो ऑलमोस्ट ओके नाउ. एंड फर्दर यू कैन जस्ट गो एट दिस एंड इन ऑप्शंस को यूटिलाइज करते हुए यू कैन रूटेट इट. यू कैन रूटेट एनीथिंग, हाइट, विड्थ और ये उसकी डिग्री, ये इस तरह -0.39 से ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया था इसने. एंड वी से ओके. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के सेंडर ने अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना है, तो दैट शुड बी ब्लैक. सो इंस्टेड ऑफ दिस के हम अपने टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करें, हम थोड़ा सा इसको लाइटर टोन में ले जाते हैं. वो किस तरह लाइटर टोन में लेके जाना है, दैट इज द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू लेट यू नो राइट नाउ. एंड दैट इज के आप F7 से इस लेयर को सिलेक्ट करें, राइट, एंड इसकी ओपेसिटी को डाउन कर दें. ओपेसिटी को डाउन करने का जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये तरीका है, यहां पे जाके इसके ऊपर क्लिक करें, मैन्युअली इसको 10% कर दें, वन ऑप्शन. इसके एरो पे जाके क्लिक करें, स्क्रोलर बार से इसको डाउन कर दें, ठीक है, या तीसरी ऑप्शन ओपेसिटी पे क्लिक करें और ड्रैग करें माउस को ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड. ये सारी के सारी सामने ऑप्शंस हैं. एंड वन अनदर शॉर्टकट की इज कि आप इस पे सिलेक्टेड लेयर को जाके क्लिक करें एंड जस्ट प्रेस द कीबोर्ड से 1 से लेकर 0 तक. 1 means 10%, 2 means ये मैं प्रेस कर रहा हूं 20, 2 से 30 मैं प्रेस करूंगा और यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, आई एम प्रेसिंग 2 20%, 3 is for 30%, सेम इज द केस करते 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 0 is for 100%, राइट. सो दीज आर द शॉर्टकट कीज जिनके थ्रू आप इसको कर सकते हैं. जल्दी में अगर आपने करना है तो जस्ट प्रेस 2 एंड यू फाइंड आउट कि इज दिस ओके और नॉट. इफ यू थिंक दिस इज ओके, ऑल सेट,
अब आप थोड़ा सा चाहे इसको और बड़ा कर दें, आई वॉन्ट इट शुड बी मोर मोर एंड मोर बिग समथिंग लाइक, अच्छा ये तो बाहर हो गया, आई एम सॉरी मैं देखा नहीं था यहां से, एंड समथिंग क्लोजर टू दिस राइट, समथिंग लाइक क्लोजर टू दिस एंड प्रेस ओके. नाउ वी वॉन्ट, देयर इज अनदर क्वेश्चन, क्लास की टाइम खत्म होगी या नहीं, क्लास की टाइम दोबारा शुरू होगी. कुछ स्टूडेंट्स को बहुत सख्त गिला था कि हम बहुत जल्दी क्लास खत्म कर देते हैं, तो आज की क्लास खत्म नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं कहेंगे, राइट? सो नो वरीज, देयर इज सो मेनी थिंग्स टू टेल यू, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड. आई हैव अनदर क्लास बैक टू बैक 1 PM पे, बट 1 PM से मैं पहले कोशिश करूंगा. एड सिंबल्स कैसे करने हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप टेक्स्ट में आप सिंबल्स टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करें और सिंबल आप ऐड कर दें. फॉर एग्जांपल शिफ्ट 2 से एट द रेट आ जाएगा, दैट इज सिंबल, सिंबल हैज बीन एडेड. अब आप इसको चाहे तो बड़ा छोटा जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है. द अदर थिंग इज कि आप इंसर्ट से जाएं, सॉरी इंसर्ट में इस तरह लाइक नहीं है, आप अगर टेक्स्ट के अलावा कोई सिंबल ऑलरेडी आपके पास एज एन ग्राफिक पड़ा हुआ है तो फाइल से जाके प्लेस करेंगे एंड दैट सिंबल वुड बी प्लेस्ड हियर समवेयर, जहां पे भी आप इसको करना चाहें, राइट? अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और कलरफुल ऑप्शंस की तरफ. एंड दोस कलरफुल ऑप्शंस आर फर्स्ट विद द कलर्स, फर्स्ट विद द फॉन्ट्स. लेट सपोज मैं प्रेस 0 करता हूं, इस टेक्स्ट को मैं कर देता हूं थोड़ा कलर. वो कैसे करना है, मल्टीपल ऑप्शंस, हर चीज के करने के 10-10 तरीके हैं. आप उनमें से कोई 1, 2, 3, 4, 5 जितना आप सेव करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, आप वो याद कर लें. That's good. Right? Okay, जी, let's proceed. There's another. I used PI for my logo. So I had to find it in Word and copy it here. I use PI for my logo. PI stands for what? Is it your brand name? I mean, that's better. I should speak up. देखो ना, मुझे if we are wasting time, कि आपकी अगर मुझे नहीं समझ आ रही, what does this mean? आप क्या कहना चाह रही हो? Pi symbol. Math का symbol है pi. Yes, exactly. वो पाए सिंबल मुझे यूज करना था तो मैंने उसको वर्ड में जाके टाइप किया और फिर वहां से कॉपी करके अपने इस पे ओके. दैट्स ओके, मतलब इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई डायरेक्ट पे नहीं है यहाँ पे सिंबल्स यूज करने का, ये नहीं है, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट फैमिलीज. माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट इज एंटायरली अ डिफरेंट फैमिली ऑल टुगेदर. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन दोनों का आपस में कोई वो रिलेशन बनता नहीं है, लेकिन स्टिल एज एन ग्राफिक, एज एन इमेज कंटेंट प्रोड्यूसर, एज एन फैशन फ्रीलांस डिजाइनर, आपको ये सारी चीजें वेज पता होनी चाहिए. एंड दिस इज समथिंग विच आई विल गिव यू एवरी ऑप्शन, ठीक है ना? नो वर्ड एट ऑल. ये जो आपने वर्ड में पाए का सिंबल बनाया एंड यू आर थिंकिंग दैट दिस कैन बिकम योर लोगो, by default this can never become a logo because this is a universal standard pi sign. You cannot use this as a logo for you. You have to come up for your own logo. Logos ki classes hamari Monday se start hongi, right? So for the time being, just hold on for a second. Be patient, be with me, inshallah. Monday se jab hum different design of logos aur sari cheeze start karenge for your brands also, so that would aapke question resolve. अच्छा जी, अब हम बेसिकली इस टेक्स्ट को करने जा रहे हैं थोड़ा सा कलर्स. अब हम आस्ता आस्ता कलर्स की तरफ जाएंगे. करने का तरीका क्या है? वन ऑप्शन इज कि आप सारे सबसे आसान टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जिसको भी आप कलर करना चाह रहे हैं इसको आप करें सिलेक्ट. सिलेक्ट करने के बाद यू मूव टू ऑल अबाउट PI. ओके, डन, राइट? मैं इसीलिए, मैं चूंकि मुझे सारी डिटेल्स नहीं पता, इसीलिए I am not commenting on your creativity. इसलिए जो भी आपने डिजाइन बनाया है, I totally admit, बिल्कुल acceptable. And आप मुझे थोड़ा सा दिखाएंगी तो शायद I might be able to comment in a more detail way. Anyway, जी, this is something which we are going to color. Color से आप इसको select करेंगे. Select करने के बाद straight away go to the top. जो text की properties में जिस तरह fonts,
फॉन्ट के हाइट वेट, उसका साइज, उसका स्ट्रेंथ, उसकी सेंटर अलाइनमेंट, इसके आगे उसका कलर, राइट। लेट सपोज वी गो फॉर दिस कलर एंड लेट सपोज क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी वी गो विद द ब्लू कलर एंड हियर इट इज, जस्ट प्रेस ओके एंड हियर इट इज द कलर, राइट। सो दैट इज द वन ऑप्शन। अब आप जाते हैं लेयर्स के ऊपर दोबारा एंड यू फाइंड आउट कि लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस एंड उठा के इसको लाएं और न्यू लेयर के ऊपर कॉपी करें, निचली वाली लेयर को करें ऑफ एंड डू द एक्सपेरिमेंट विद द न्यू लेयर जो आपने अभी बनाई। वो कैसे? इफ यू थिंक दिस कलर इज ओके लेकिन गिव मी अनदर ऑप्शन, सो आप इसको सिलेक्ट करें, गो टू अगेन टेक्स्ट एंड आइदर सेलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर लेट सपोज आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया, जस्ट प्रेस किया टेक्स्ट को, इसको सिलेक्ट किया, लेट सपोज हम रेडिश की तरफ चले जाते हैं, तो ये फिर भी कर देगा, राइट right? क्योंकि ऑलरेडी इस लेयर में जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सारा कुछ जो फोटोशॉप है दैट इंटेलिजेंटली केटर्स फॉर कि अच्छा यू टॉकिंग अबाउट दिस वन, ओके हियर वी गो। हाँ, अब अगर चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट शुड बी इन डिफरेंट कलर, then you have to do it manually, right? Institute should be in blue color, yeah, let's suppose green color, be thoda sa darkish green, and off should be in yellow color, so off ko select kare, and let's pick up the yellow color, and off freelancing, so let's see how does it looks like. It is okay, lekin नहीं 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 होल्ड ऑन अलीशा, नो अलीशा नो होल्ड ऑन। देखो करना हमने बहुत कुछ है, इट इज देयर इज नो डाउट इट इज वे टू मच, दैट इज व्हाई इंटेंशनली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस वी इंटेंशनली केप्ट आवर क्लास टिल 40-45 मिनट्स मैक्सिमम। वी जस्ट नॉट वांट कि एक दिन में मैं सारी फोटोशॉप खत्म करवा दूं। आपको यकीन करें आपको जस्ट 10% समझ आएगी, रिमेनिंग वुड आपको ज़हन में नहीं रहेगा, बट दिस वाज़ दी स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट के लेट्स मेक अप दिस क्लास या एक्सटेंड दिस टाइम, तो आई थॉट देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड बीइंग एकेडेमिया बीइंग द टीचर मेंटोर, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो लेट मी फिनिश अप दिस स्मॉल थिंग्स एंड उसके बाद हम फिनिश करते हैं इस क्लास को, ठीक है। हमने इतना कुछ इसको कर लिया, कलर करने की ऑप्शंस देख ली, एंड फर्स्ट कलर इज दिस, द सेकंड कलर इज दिस, राइट। क्योंकि ये इसके ऊपर है इसलिए वो कलर नीचे है तो मोस्ट प्रोबेबली नजर नहीं आएगा, लेकिन देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप निचली वाली लेयर को लेट्स मूव 1.2 पॉइंट इस तरह कर दें तो हाउ डज इट लुक्स लाइक नाउ, इट सीम्स लाइक ब्लू कलर का हल्का सा इसका शेडो है। एंड लेट्स सपोज अगर आप इसको थोड़ा सा ओवर प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो इसकी ओपेसिटी को कर दें जस्ट 5% या 2% 3%, इट विल गिव यू अ लॉट मोर बेटर फीलिंग नाउ। सो व्हाट्स योर थॉट्स, हु वांट्स टू स्पीक टू मी, मैं क्लास को वाइंड अप करूं या अभी कंटिन्यू करें? I think थोड़ी देर से कंटिन्यू करते हैं अभी, we still have 5 minutes left, ये चले, let's wind up here and हम मंडे वाले दिन, I want के आप आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों चीजों की तरफ थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव वर्क करना शुरू करें, राइट। दिस वुड बी योर टेक्स्ट, योर ब्रांड, जो भी आपने किया, ठीक है, और उसको देर इज नो कंपल्शन, आप इसको इस एंगल के बजाय इस एंगल, किसी भी रोटेशन की मैंने ऑप्शन आपको बता दी, आप इसको उठा के किसी भी एंगल के ऊपर रोटेट कर सकते, राइट इस वाली चीज को किसी भी डिजाइन के ऊपर लेके जा सकते हैं, एंड आप इसमें से लोगो को उठा के, ये कौन सा लोगो है, ये वाला लोगो है, मैं इसको उठा के इस फाइल में से दूसरी फाइल में, यस एब्सोल्युटली मैं यही असाइनमेंट आपको बता रहा हूँ साहिबा, कि आपने अपने जो डिजाइन है फैशन या इंटीरियर डिजाइन का, जो आपकी चीजें बनाई उस तमाम की सारी चीजें आपने खुद बनानी है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज योर विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, इसको बनाने के बाद यू मूव टू टू द लेटर हेड, लेटर हेड आपने इस तरह डिजाइन करना है, और उसके बाद उसका एनवेलप,
These are the mandatory things. आप अगर आप ये नहीं बनाएंगे, आपको at the end किसी न किसी के पास जाना पड़ेगा, because अब आपका brand आस्ता-आस्ता coming into born वाली state आ रही है, आस्ता-आस्ता अब वो alive होना शुरू हो गया, ठीक है? उसके लिए बहुत सारी options हैं जो मैं चलते-चलते आपको साथ-साथ बताता रहूँगा, but this is the most important thing. यही आज की assignment है, बल्कि weekend की assignment है कि आप ये भी थोड़ा सा बनाएं. Don't go for so much fancy या घूमते घुमाते text. No, visiting card में, letterhead में और envelope में corporate identity को देखा जाता है. उसमें उसकी इसके ज़्यादा घुमाने फिरने या उसको unnecessarily बहुत ज़्यादा fonts या varieties use करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है? So that's it, dear students. आज तक के लिए इतना काफी है. Monday वाले दिन हम दोबारा मिलेंगे. लेकिन I wish कि हम अब ये वाला topic we will try के हम दोबारा नहीं करें, because Monday से हमारा logos के लिए 2 से 3 classes maximum logos की हम करेंगे, ताकि आप लोग अपने logos और उसके बाद फिर हम actually Photoshop के different tools को use करते हुए fashion और interior design की जो importance है, ये जो चीजें हैं, उनकी तरफ move कर जाएंगे. So I hope कि आप में से जो students अपना brand बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी, और जो freelancing field में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी. Okay, जी, there's a question from Rabia Iman. Sir, हमने अभी तक logo नहीं बनाया, तो ये चीजें कैसे बनाएं? भाई, आपको मैंने experiment के लिए अपना logo दे दिया. तो आप, there's no problem. अगर आप इसको नहीं बनाना, मेरा logo नहीं लेना चाहते, तो let's wait for 1-2 days. हम Monday से जब आपका logo अपना बनाना शुरू कर देंगे, I'll give you the different options. हम logo create भी करेंगे. उन्हीं टूल्स की मदद से. ये जब तक आप फोटोशॉप नहीं सीखेंगे, आपको नए टूल्स कैसे आएंगे? नए टूल्स आएंगे तो आपको लोगो बनाना आ जाएगा. अब अगर मैं स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 लोगो पहले बना दूं, तो यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस फोटोशॉप. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना? उसकी वजह से हम लोग इस सीक्वेंस में इस तरह चल रहे हैं. सो आई होप कि मंडे से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे विद द लोगोज. देयर आर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोज जो कि हमने डिस्कस करने हैं. फर्स्ट क्लास में हम जो पहली वाले हमारा सेशन है मंडे वाला, उस दिन मैं 7 डिफरेंट टाइप के लोगोज आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. उसके बाद आई विल लीव इट अप टू यू के 7 में से कोई एक चूज करें एंड स्टार्ट अप योर डेवलपमेंट. मीनवाइल उसके लिए हमने ये सारे के सारे टूल्स स्टडी करने हैं, जो कि ड्यूरिंग द लोगो डेवलपमेंट एंड ड्यूरिंग ऑल दोस थिंग्स हम साथ साथ करते जाएंगे. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन एंड होप टू स्पीक टू यू सून ऑन मंडे. अल्लाह हाफिज. बाकी इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है, तो वी हैव अ एक्टिव, वेरी एक्टिव ग्रुप. आप उसके थ्रू यू कैन आस्क मी एनीथिंग. ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय.